साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। हम थाट बिलावल का राग राग बिलावल सीख रहे हैं। आप इस राग की प्रैक्टिस बार बार कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से हमको स्वरों की ऊंचाई भी समझ में आती है और हमको राग भी समझ में आता है। इसका महत्व जब आप बार बार इस राग को करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। कल हमने इस राग का सरगम गीत सीखा था, आज हम उसी सरगम गीत पर बोल डाल देते हैं। पहली लाइन के बोल हैं, देश मेरा सबसे सुंदर है। देश मेरा सबसे सुंदर है कैसे निकलेगा? सा ध प मा ग म रे ग म प म ग म रे सा। क्या सुनाई दे रहा है? देश मेरा सब से सुंदर है। देश मेरा सबसे सुंदर है। सा ध प म ग म रे ग म प म ग म रे सा। आप स्वर की ऊंचाई समझें। ये तार सप्तक का सा है तो सा धा। अब नीचे उतर रहे हैं, सा धा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा मा रे सा। देश मेरा सब से सुंदर है। अब हम इसको ताल के साथ करते हैं। देश मेरा सब से सुंदर है। आप मन मन में भी बोल सकते हैं। बार बार करिए। दूसरी लाइन है, देश मेरा सबसे पावन है। ये शब्द कैसे निकलेंगे? देश मेरा सबसे पावन है। सा ग म रे ग प नी सा रे सा सरे सनी धप मग। देश मेरा सबसे पावन है। अब दोनों लाइनों को हम ताल के साथ इकट्ठी बजा देते हैं। सादा पा मग मारे में दो पार्ट्स होते हैं, एक स्थाई और एक अंतरा। तो ये अंतरा है। देश की सुंदर पावन माटी, इसकी स्वर मालिका हम देखते हैं। देश की सुंदर पावन माटी पानी नी सा
आप आकार में भी कर सकते हैं। सा गा गा मा गा रे सा इसकी अंतिम लाइन ऐसे को लाखों बार नमन है अंतरा ऐसे को लाखों बार नमन है देश मेरा सब से सुंदर है। साथियों इन स्वरों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सा 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 धा पा मा गा मा रे सा। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।